प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चलते रहने के कारण फुटपाथ दुकानदार संघ की बैठक इस बार कृषि फार्म सब्जी मंडी में आयोजित हुई। इस बैठक में वार्षिक आय व्यय मीट मुर्गा मछली मंडी के मार्केट कमेटी अध्यक्ष राजेश कुमार पंडित के द्वारा तमाम मार्केट कमेटी के सदस्यों के सामने रखा गया। फुटपाथ दुकानदार संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार चोपड़ा ने काफी बारीकी से पूरे साल का आय व्यय को देखा और जो कुछ कमियां दिखी उसे तमाम लोगों के बीच रखा। वहीं शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की भी चर्चा हुई, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दुकानदारों को शालीनता पूर्वक हटा लेने की अपील को काफी सराहनीय कहा और कहा कि 5 मार्केट कमेटी के द्वारा सभी को नसीहत दी गई कि पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान में सहयोग प्रदान करें। इस अभियान के बारे में दुकानदार संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार चोपड़ा ने खूब सभी दुकानों पर जाकर स्ट्रीट वेंडर फुटपाथ दुकानदारों को अवगत कराया, परंतु इसी दरमियान नगर परिषद के कार्यपद पदाधिकारी अपने दल बल एवं जेसीबी लेकर जिस तरह से क्रूरता पूर्वक बल लगातार लगाकर अपनी दबंगई दिखा रहे थे, इससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पूरी तरह से गरीब विरोधी हैं। फिलहाल तो जिला प्रशासन के द्वारा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, उसमें अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा हमें से सहयोग मांगा गया कि मुख्यमंत्री जी का आगमन है, कृपया आप सहयोग करें और अतिक्रमण को हटाने में हमारे साथ सहयोग करें। हमने सहयोग किया और उनके साथ चल चल कर जो लोग थे अतिक्रमण किए उन लोगों को हटाने का हमने उनके साथ सहयोग किया और लोगों ने स्वेच्छापूर्वक हटाया। इसमें कुछ लोग एक दो दुकानदार हैं जिन्होंने नहीं हटाया या उनके जानकारी नहीं थी या वो वहाँ नहीं थे। उसके दरमियान एक दिन के बाद कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं पूरे तामझाम के साथ जेसीबी जी बुलडोजर ले करके और गरीब गुरबे लोगों को नसबूंद करने के बीड़ा उठाया। उन्होंने जिस तरह से अतिक्रमण हटाओ अभियान में गुमटी शेड ये सब तोड़ा वो कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि नगर परिषद के कर्मचारियों की मिली भगत से जहानाबाद में 50% अतिक्रमण लगता है, जहाँ से नगर परिषद के कर्मचारियों को चुंगी वसूली जाती है। जो लोग चुंगी नहीं देते हैं उनको कार्यपालक पदाधिकारी कान फूक करके उनको द्वारा सख्ती करवाई जाती है। इसका जीता जागता स्टेशन पर आपने देखा है किस तरह से अतिक्रमण के नाम पर उसको उजाड़ा गया। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं कि 10,000 रुपया दे करके उसको आर्थिक उत्थान कर रहे हैं, वहीं इनके अधीनस्थ अधिकारी नगर परिषद के द्वारा नष्टभूत कर रहा है। जिस तरह से इनके मतलब कि सामानों को रुद्ध बुद्ध किया गया कहीं से भी न्याय नहीं है। फुटकर कानून एक्ट 2014 कहता है कि जब भी अतिक्रमण शहर से आप हटाएं तो उसके पहले टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक करें, परंतु जिला प्रशासन के द्वारा इस सब का अनसुलझी किया गया, नज़रअंदाज किया गया। कानून सर्वोपरि है, चाहे वो कार्यपालक पदाधिकारी हों या आम व्यक्ति। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूँगा, मैं अनुमंडल पदाधिकारी के कथन के अनुसार उस बात को भी जिलाधिकारी के पास रखूंगा कि ये भेदभाव नीति अनुमंडल कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी जहानाबाद में 2 पदस्थापित हैं, वो अधिकारी नहीं बल्कि गुंडों के रास्ते पर चल रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपने मतलब कि प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा स्टेशन के साथ उनके साथ हाथापाई हुई, ये उनके लिए शर्मनाक बात है और उनको चिल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो एक कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनकी भी कोई मर्यादा होती है, वो मर्यादा को जब तार तार करेंगे तो यहाँ फुटपाथी दुकानदार भी कदम से कदम मिलाकर उनके मुंह तोड़ जवाब देगी और उसके साथ जो भी है कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
कि सारे लोग, पांच मार्केट कमेटी थी, पांचों मार्केट कमेटी आके हम लोगों से बात किया कि चोपड़ा जी आपने कहा हमने हटाया, लेकिन कुछ एक दो दुकानदार जो है नहीं हटाया, उसके साथ विधि संबंध उस पर फाइन करनी चाहिए, और फाइन करने के बाद उसको मौका देना चाहिए, एक घंटा दो घंटा में आप हटा लीजिए। लेकिन ये तो गुंडा मवाली की तरह इन्होंने एकदम प्रेशर लगा कर काम किया। ये कहीं से पालक पाला कि सामंतवादी विरोधी के यह आदमी हैं, ये सामंतवादी विचार रखते हैं, ये कॉपरेटर घरानों के नस्ल कदम पर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूंजीपतियों से जारी या गरीबों के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। अरविंद कुमार चोपड़ा हुआ टाउन बेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और टीबीसी के मेंबर भी हैं। जिस तरह से गरीब के सामानों को जेसीबी से तोड़ा गया, जिसके सामानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया, यह साफ दर्शाता है कि यह पदाधिकारी पूरी तरह से गरीब विरोधी मानसिकता रखते हैं। पूरी कमेटी ने सर्वसहमति से बात करते हुए लेकर निंदा प्रस्ताव पारित। वहीं इस बैठक में तमाम मार्केट कमेटी के सदस्यों की राय बनी। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार चोपड़ा के नेतृत्व में एक ज्ञापन जहानाबाद नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी के तानाशाही रवैये के खिलाफ जिला अधिकारी से मिलकर दी जाएगी एवं उनसे मिलकर अपनी बातों को रखेंगी, क्योंकि जिला प्रशासन के कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। जिस तरह से खुलेआम सड़कों पर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा गरीब विरोधी कार्य किया जा रहा है,